नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पॉट टिप्स पे। दोस्तों तो बात करना चाह रहे हैं एस्ट्रोनॉमी में करियर कैसे बनाएं, इसके लिए क्या क्या करना होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, बिसार टेक्नोलॉजी से संपर्क कर लेना चाहते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर कोई अपना करियर बेहतर बनाना चाहता है, ऐसा ही एक करियर ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमी। दोस्तों एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान एक ऐसा करियर है जो इन सभी रहस्यों, सवालों और उलझी गुत्थियों को सुलझाता है। दोस्तों एस्ट्रोनॉमी में करियर बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप अंतरिक्ष की रहस्यमय और रोमांचक दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो एस्ट्रोनॉमी का कोर्स कर सकते हैं। फिजिक्स या मैथमेटिक्स से स्नातक पास स्टूडेंट थियोरेटिकल एस्ट्रोनॉमी के कोर्स में एंट्री ले सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एक्सपेरिमेंटल एस्ट्रोनॉमी में प्रवेश के लिए बीई की डिग्री जरूरी है। दोस्तों यदि आप पीएचडी कोर्स फिजिक्स थियोरिकल व ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस साइंस आदि में प्रवेश लेना चाहते हैं तो ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट JEST से गुजरना होगा। इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए फिजिक्स में मास्टर डिग्री या फिर इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री जरूरी है। एस्ट्रोनॉमी की कई ब्रांचेस है, एस्ट्रो केमिस्ट्री, एस्ट्रो मेट्रोलॉजी, एस्ट्रो फिजिक्स और एस्ट्रो जियोलॉजी और एस्ट्रो बायोलॉजी। पहले तय कर लें आपको किस में दाखिला लेना है। दोस्तों शोध के दौरान जूनियर रिसर्चर को करीब 8,000 व सीनियर रिसर्चर को करीब 9,000 रुपए मिलते हैं। हॉस्टल में रहने खाने, चिकित्सा तथा यात्रा की सुविधा संस्थान द्वारा दी जाती है। साथ ही विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार व कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का भी मौका मिलता है। शोध पूरा करने के बाद विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैज्ञानिक एवं एस्ट्रोनॉम या एस्ट्रोनॉट के पद पर उच्च वेतनमान के साथ अन्य उत्कृष्ट सुविधाएं भी मिलती हैं। ये हैं इसके कुछ संस्थान: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर तमिलनाडु, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला। बाकी सब आप जानते हैं दोस्तों क्या क्या करना होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।